जय श्री राम दोस्तों, फिर से आपसे स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनका SCGT का फिजिकल और मेडिकल किशनगंज के BSF कैंप में होने वाला है, तो आप लोगों के लिए आज का जो अपडेट है कि आज जो फिजिकल हुआ है तो उसमें कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, कितने को PHT में छाटा गया, कितने रनिंग किए और रनिंग में कितने क्वालिफाई हुए, सारा इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वो 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आज तो मैं कैंडिडेट के लिए वहाँ मतलब इंटरव्यू लेने के लिए कैंप में जा नहीं पाया, लेकिन हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, उनका भी आज फिजिकल हुआ है, वो भी रनिंग में क्वालिफाई हुए हैं। तो उन्होंने आज अपडेट दिया है कि टोटल 112 बच्चे आज प्रेजेंट थे आउट ऑफ 140 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जितने 140 बच्चों को बुलाया जा रहा है, आपको पता है कि हर दिन 140 बच्चों को बुलाया जाता है, उसमें से 112 बच्चे आज प्रेजेंट थे। और सबसे बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि PHT यानी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट में सिर्फ 8 बच्चों को छाटा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हाइट और चेस्ट में सिर्फ 8 बच्चों को छाटा गया है, तो किस तरह से हाइट मेजरमेंट और चेस्ट मेजरमेंट कितने अच्छे तरीके से लिया जा रहा है आप लोग समझ सकते हैं। और इससे भी पहले की वीडियोस में मैंने आप लोगों से शेयर किया था रिव्यू लेकर कि किस तरह से हाइट चेस्ट और मेजरमेंट में जो है काफ़ी छूट दी जा रही है, मतलब छूट क्या मतलब काफ़ी जेन्युइन तरीके से हाइट और चेस्ट मेजरमेंट लिया जा रहा है। अगर किसी का चेस्ट थोड़ा कम भी है लेकिन अगर वो फुला ले रहे हैं, क्योंकि उन सर लोगों को भी पता है कि अभी रनिंग करते हुए प्रैक्टिस करते हुए बच्चों का जो है बॉडी वेट कम हो जाता है, तो चेस्ट अगर किसी का 1 सेंटीमीटर कम भी है, ठीक है, लेकिन अगर आप 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुला रहे हैं तो फिर आपको जो है पास कर दिया जा रहा है चेस्ट में। और हाइट तो अच्छे से लिया जा रहा है, पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो हाइट और चेस्ट के बारे में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप लोगों का पूर रहा है, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएंगे हाइट और चेस्ट में। तो 112 में से 8 को छाटा गया और बचे 104 बच्चे, उसमें से 104 बच्चे जो रनिंग किए हैं उसमें से 86 बच्चे जो है रनिंग में क्वालिफाई हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं 104 यानी 18 बच्चे जो है रनिंग में डिसक्वालीफाई हो गए और 86 जो बच्चे हैं रनिंग में क्वालिफाई हुए हैं। अब उन लोगों का जो है आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कल उन लोगों का मेडिकल होगा, उसके बाद का जो अपडेट है कि किस तरह से उन लोगों का मेडिकल हुआ और डी मेडिकल का जो भी अपडेट मैं लेने की कोशिश करूंगा तो आप लोगों से शेयर भी करता रहूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, उसका तुरंत से तुरंत मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ।